गुरुवार को कस्बा के माया रिसोर्ट में भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर के संपन्न हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में आए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि जो कार्यकर्ता अपने बूथ पर मजबूत होता है जीत उसी की होती है। सम्मेलन में करहल एवं मैनपुरी के मंडल भर के बूथ कार्यकर्ता आए हुए थे, जिनमें करहल क्षेत्र के 17, बरनाहल क्षेत्र के 16, कुचेला क्षेत्र के 16, ओछा क्षेत्र के 15, घिरौर क्षेत्र के 16 मंडलों के मंडल अध्यक्ष एवं बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने आकर भाजपा नेताओं को सुना और लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह साक्को को भारी मतों से जिताने का संकल्प भी लिया। कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा नेताओं में मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, राहुल चतुर्वेदी, आलोक गुप्ता, सौरभ दुबे, पूर्व विधायक अशोक चौहान, शिवदत्त भदौरिया, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भुवनेश यादव, राम प्रताप सिंह, मानवेंद्र सिंह, सुभाष यदुवंशी, अश्वनी त्यागी, प्रदीप चौहान, अरविंद गुप्ता, शेर सिंह भदौरिया और अनुजेश यादव, गौरव यादव, कल्पेंद्र यादव और भारतीय मौजूद रहे। केंद्रीय एसपी सिंह बघेल, सांसद एटा राजवीर सिंह राजू, राज्यसभा सांसद गीता साक्य अपनी अपील को राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने भी संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी को भारी से भारी मतों से जिताने का अपील भी किया। सम्मानित बूथ के अध्यक्ष, बूथ के प्रभारी, संयोजक और उपस्थित सभी सम्मानित साथी, मैं आपसे आज सेवक बनके आपके बीच में आया हूं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने आपके इस बेटे को एक सेवक बनाने के लिए आपके बीच भेजने का काम किया। हमारे पड़ोसी आप लोग हैं, हमारे बारे में सब लोग जानते हैं। आप लोग के आशीर्वाद से डाबा में 2 बार सांसद रहने का काम किया, विधायक रहने का काम किया। हमारे करहल और डाबा में मैनपुरी में कोई अंतर नहीं है। हम लोग हर सुख-दुख में एक दूसरे में शामिल होने का काम किया और सुख-दुख की लड़ाई देने का काम किया। लेकिन साथियों, जिस परिवार ने हम लोग को बेइज्जत करने का काम किया, हमसे ज्यादा कोई वफादार नहीं था उस परिवार का, लेकिन वहां चापलूसों की फौज है, वहां हम जैसे वफादारों की कोई वैल्यू नहीं। लेकिन साथियों, मैं बधाई दूंगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कम से कम ये मैं सम्मान देने का काम किया, आशीर्वाद देने का काम किया और 2022 में लोकसभा विधानसभा के चुनाव में हमें आशीर्वाद देकर शामिल कराने का काम किया साथियों। और मैं बहुत इसका और ऋण हूँ, इस सेवक पर इतना विश्वास बनाने का काम किया, अभी आपके लोकसभा के चुनाव में आपके सामने प्रत्याशी बनाने का काम किया, आपकी सेवा करने का मौका देने का काम किया साथियों। मैं साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप हमारे बारे में एक एक चीज के बारे में जानते हैं। हम किसान के बेटे हैं और आपकी लड़ाई लड़ने की पूरी ताकत रखने का काम करते हैं। रघुराज साग ने कभी कोई आप देखता है किसी का अपमान करने का काम नहीं किया, रघुराज साग ने किसी का हमेशा सम्मान करने का काम किया, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने का काम किया। और आपके बीच में जब आपने 12 बजे बुलाने का काम किया, 1 बजे बुलाने का काम किया हो, कोशिश की आपके बीच में आने का काम करने आया साथी। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व में मुझसे भरोसा जो दिलाने का काम किया और जिस तरह से जनता का समूह मैं घूम रहा हूँ, आज देख रहे गले की एक एक दिन में 40-40, 45-45 मीटिंग हो रही है, जनसंपर्क कर रहे, पैदल चल रहा हूँ, माफी मांग रहा हूँ सब लोगों से और भांत माताओं बहनों से ये माफी मांग रहा हूँ, नहीं आ सकते माताओं, लेकिन हमें आशीर्वाद दे देना, बुजुर्ग आशीर्वाद देने कर रहे हैं बेटे को। रात के 2 बजे हुजूम के साथ माताएं बहने सब सड़कों पे हैं, सभी हमारे बुजुर्ग सड़कों पे आशीर्वाद किसान के बेटे को देने का काम कर रहे हैं साथियों। और मैं आज करहल के विधानसभा के सभी हमारे बूथ के जो सिपाही नहीं है, ये फौज है, इनसे निवेदन करने आ रहे हैं, सेक्टर प्रभारी से निवेदन कर रहा हूँ, ऐतिहासिक जीत होने जा रही है आपके इस बेटे की नहीं, आप सब लोगों की, भारतीय जनता पार्टी का मेहनत में कमल खिलने जा रहा है, कोई रोक नहीं सकता है। आज जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जिस तरह से माता और बहनों, नौजवान, किसान, सभी वर्गों के लोगों में उत्साह है, वो एक परिवर्तन की लहर है। माननीय प्रधानमंत्री के गले में एक माला पड़ी है, उसमें 3 फूलों की कमी थी साथियों, एक फूल आजमगढ़ वालों ने पूरा कर दिया, दूसरा फूल रामपुर वाले ने पूरा करने का काम किया है, अब एक फूल की कमी साथियों, वो मैनपुरी के आप लोग उस फूल का पूरा करने का काम करेंगे, करहल के लोग पूरा करने का काम करेंगे और रघुराज साहब को सेवक बना करके
उस फूल उसी गले की माला में शामिल करने का काम करेंगे। रघुराज साहब का आपको विश्वास दिलाता है कभी आपका सम्मान नहीं करने देगा, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा, जो आपके साथ बदतमीजी करने का काम करेंगे रघुराज साहब सबसे पहले आपके खड़े होकर आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। केवल इस ताकत को, इस घड़ी को जो माननीय प्रधानमंत्री ने हमें भेजने का काम किया, माननीय मुख्यमंत्री ने भेजने का काम किया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपके बीच भेजने का काम किया, एक बार ताकत के साथ हम लोग मिलकर के इस लड़ाई को पूरा करने का काम करेंगे और मैनपुरी में कमल फुलाने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी जिताने का काम करेंगे। इसी के साथ सभी मंच पर नेताओं को प्रणाम करता हूँ, जितने हमारे बूथ के सभी सम्मेलन के आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम करता हूँ, नौजवान साथियों को बधाई देता हुआ और आपसे वोट की अपील करता हुआ कि लग जाइए साथी आज से, कोई मुकाबला नहीं है। मैं पुनः सभी को प्रणाम करता हूँ, अपनी बाड़ी को प्रणाम देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देकर देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया। लेकिन भाइयों बहनों, चुनाव हमेशा एक संदेश देने के लिए होते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, आप सबके आशीर्वाद से, स्नेह से राज्य में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और सरकारों ने चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, बगैर किसी भेदभाव के सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जनता को पहुंचाने का काम किया। आप जानते होंगे कि जिस प्रकार से पुरानी सरकारें केवल अपने समर्थकों को लाभान्वित करने के लिए योजनाएं बनाती थी, उनको लाभ देने के लिए काम करती, लेकिन भाइयों बहनों भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ऐसा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के विकास के लिए संकल्पित है। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, वो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, गरीब को लाभान्वित करने की योजनाएं हैं, गरीब को समाज की मुख्य धारा में लाने की योजनाएं हैं और बगैर किसी भेदभाव के हैं। आप जानते होंगे जितनी भी सरकार की लाभार्थी पर योजनाएं, उनमें बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी भ्रष्टाचार के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने का अवसर निश्चित रूप से मिला। पुरानी सरकारें जिस प्रकार का काम करती थी उसमें केवल अपने समर्थकों को, अपने समर्थक वर्गों को लाभ कैसे मिले, विकास की योजनाओं में उनकी भागीदारी कैसे हो, ठेके पट्टों में उनकी भागीदारी कैसे हो, इसकी चिंता करते थे लोग। पुराने अपने कालखंड के विकास की चर्चा कर रहे हैं कि हमने ये करा, लेकिन भाइयों बहनों उन्होंने कुछ नहीं करा होगा ना, उन्होंने केवल अपने परिवार के, अपने समर्थकों के, अपने शुभचिंतकों के का विकास करने का काम किया। देश के, प्रदेश के, जिले के विकास से उनका कोई मतलब नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, योगी जी को, मोदी जी को आपने इस प्रदेश का, देश का नेतृत्व करने का अवसर दिया है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सरकार ने सभी पैरामीटर पर जनता की जो अपेक्षाएं हैं उन्हें काम कर पूरा करने का प्रयास किया। हमारे आप घोषणा पत्र निकलवा के सन 1951 से पहला चुनाव 52 में हुआ, तो जितने विषय हमारे प्रारंभिक थे, धारा 370, कॉमन सिविल कोड, राम जन्मभूमि, ये सारे विषय आज तक बने हुए हैं। और सरकार बनने के बाद, बहुमत की सरकार बनने के बाद, राज्यसभा में भी शक्ति संतुलन हमारे पक्ष में आने के बाद, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने 1951 में किए हुए कमिटमेंट को पूरा किया, हम भूलते नहीं अपने वादे, हमने सारे पूरे किए। हमने चाहे देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने का काम, चाहे राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के स्थान पर अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर बनवाने का, या जो भी विषय हो, हमने हमेशा कहा हमारी सरकार आएगी, घुसपैठियों को बाहर करेंगे, शरणार्थियों को दाग करेंगे, ये सारे हमारे कॉमन एजेंडे से जुड़े विषय थे, हमारे कोर एजेंडे थे। और भाइयों बहनों आप देख रहे होंगे आज से पहले देश में दर्शन करने के लिए, तीर्थ स्थानों के लिए, अपने स्थान दिखाने के लिए किन चीजों की चर्चा करते थे, आगरे का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, भूल भुलैया, किसी ने नहीं कहा तक कि बाबा भगवान श्री विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर का निर्माण सरकार, माता विंध्यवासिनी देवी के कॉरिडोर का। लोग हमसे पहले सरकारें हमारे धार्मिक स्थलों पर लोग ना जाएं इसके लिए प्रयास करते थे,
लेकिन भाइयों बहनों आपके आशीर्वाद से आज सरकार, चाहे योगी जी की सरकार हो चाहे मोदी जी की सरकार हो, अपने जो भी हमारे धार्मिक उत्सव है, हमारे पर्व है, तीज है, त्योहार है, सब शांति पूर्वक आपस में मिलकर सब एक दूसरे से परस्पर सहयोग करके तीज त्योहार मनाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बेहतर कानून व्यवस्था का राज किया। आज अगर आप विचार करोगे, देखोगे तो जितने भी विषय हैं, अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये सारे विषय हमारी सरकार आने से पहले क्या स्थिति थी। 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी तो उससे पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार, रोज नए स्कैंडल आते थे भ्रष्टाचार के, रोज बड़े बड़े लोग कांग्रेस के नेता जेल जाते थे, सरकार के गठबंधन के साथ ही जेल जाते थे। लेकिन भाइयों बहनों सरकार बनने के बाद आज 8-8.5 साल, 2017 से योगी जी सरकार में एक भी किसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री, किसी के खिलाफ कोई आज तक भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो या किसी के खिलाफ कोई कार्य। हम लोग संकल्पित हैं आज भ्रष्टाचार निश्चित रूप से आज शून्य के स्तर पर, न्यूनतम स्तर पर। आप अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, जो कानून व्यवस्था वाला पार्ट, आज आप देखते होंगे अपराधी, माफिया, जिन्होंने अनैतिक संपत्ति, धन दौलत और गरीबों के अधिकारों पर डाका डाल के अनैतिक संपत्ति कब्जाई, उन सबके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर, बाबा जी का बुलडोजर उन सबके ही खिलाफ चल गया। लोग अलग अलग बात करते हैं कि साहब भय का वातावरण है, माहौल खराब है, देश की स्थिति ऐसी नहीं है, प्रदेश भेदभाव के साथ सरकार काम कर रही है। नहीं भाई, सरकार बिल्कुल ईमानदारी से पारदर्शी व्यवस्था के साथ काम कर, हमारा कमिटमेंट है, हमारा संकल्प है कि जो बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, चोर है, अपराधी है, माफिया है, सबके खिलाफ बगैर किसी भेदभाव के काम सरकार कर, इन सब विषयों पर हम लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा चाहे युवाओं से जुड़े विषय, चाहे आधारभूत ढांचे से जुड़े विषय, सरकार ने बड़े बड़े 4 लेन 6 लेन हाईवे, पूर्वांचल एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे, गोरखपुर एक्सप्रेस पे, इन सबको भी आज भी कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन अगर अपना सांसद पहुंचेगा तो प्रमुखता से, प्रखरता से संसद में आपकी समस्याओं को प्रमुखता से रखकर इस क्षेत्र के विकास के लिए, आपके कामकाज के लिए, आपके दुख दर्द में हमेशा खड़ा रहेगा, ऐसा मेरा सब लोगों से निवेदन है। बहुत लंबा समय हो गया, मैं एक बार पुनः मंचा से इन सभी पदाधिकारियों का और उपस्थित सभी अपने बूथ अध्यक्षों का, सेक्टर प्रभारी संयोजकों का, सभी मंडल अध्यक्ष मंडल प्रभारियों का और उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का धन्यवाद करता हूं। और इस संकल्प के साथ कि हमें अब चैन से नहीं बैठना और अपने परिवार के लोग, मिलने वाले परिचित जितने भी लोग हैं, सबको पहले, सबसे पहले लाइन में खड़ा करना, सबसे पहले वोट डलवाना है, सबसे पहले बात करनी है, तभी हम बड़े अंतर से इस चुनाव को जीतेंगे। और एक बार मैनपुरी में पूरे देश में संदेश जाए कि जैसे भाजपा आजमगढ़ जीती है, रामपुर जीती है, वैसे ही अब मैनपुरी का भी किला ढहने वाला है समाजवादी पार्टी का। और रघुराज सिंह साहब के एक बार पुनः संसद में पहुंचेंगे। और एक बार मैं और आपसे कहना चाहता हूं, अभी लोकसभा का कार्यकाल 1.5-2 वर्ष का, एक बार आपका आशीर्वाद तो चलो, एक बार आप विश्वास करो, एक बार हम लोगों को भी काम करने का अवसर मिले। 1.5 साल का कार्यकाल, कोई कुंभ नहीं है जी 12 साल में आएगा। अगर हम अपेक्षा के अनुसार, हमारी पार्टी, हमारा कैंडिडेट अपेक्षा के अनुसार काम ना करें, आपकी अपेक्षा के अनुसार खड़ा ना उतरे, तो निश्चित रूप से अगली बार लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही माई बाप है, आपके हाथ में निर्णय, आप निर्णय करना। लेकिन इस बार जरूर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद आपका मिलेगा। हम संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे कि 100% मतदान कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी को एक प्रत्याशी के रूप में रघुराज सिंह जी को संसद में पहुंचाएंगे। इस प्रकार का संकल्प लेकर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे।